नमस्ते बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं धनपाल देखलिया और आपका एक बार फिर से स्वागत है मैजिक मैथ्स के समझिंग सेशन में। और जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, आज हमारी रेशियो एंड प्रोपोर्शन की क्लास है दोबारा। और आज हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन की क्लास करने जा रहे हैं 22 क्लास हमारी 21st क्लास। इससे पहले 1 से लेकर 21 क्लास हमारे ऑलरेडी इस पर हो चुकी है इस टॉपिक पर, ठीक है। और इस पर अभी 4-5 क्लास और होनी बाकी है और इसके बाद ये टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो भी टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे वो मैं आपको आखिरी वाली क्लास होगी उस दिन बताऊंगा कि हम अगला टॉपिक कौन सा स्टार्ट करने जा रहे हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन बहुत बड़ा टॉपिक है और लगभग 30% आप जो मैथ से इसको कवर करता है और लगभग कई सारे टॉपिक्स के इसके क्वेश्चन जो है इसे इस फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हो, उनके रेशियो एंड टॉपिक के कॉन्सेप्ट सॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा चैप्टर है और बहुत मायने रखता है ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत जरूरी टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इसके साथ परसेंटेज वगैरह जो चैप्टर है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैंने जो जितने भी क्लासेस बनाई है इस यूट्यूब चैनल पर वो सारी प्लेलिस्ट में आपको दिखती है और प्लेलिस्ट में फोल्डर वाइज बना रखे हैं टॉपिक वाइज, और फोल्डर में सारी क्लासेस जितनी भी क्लासेस उस टॉपिक पर करवाई है पर्टिकुलर टॉपिक पर वो मैंने प्लेलिस्ट में डाली हुई है, वहां से आप सारी क्लासेस देख सकते हो। अगर आपने रेशियो एंड प्रोपोर्शन की 1 से लेकर 21 तक की क्लास को अगर नहीं देखा है तो आपके जो अभी लास्ट के क्वेश्चन हमारे चल रहे हैं वो एडवांस क्वेश्चन चल रहे हैं, इसलिए आपको उसको समझने में दिक्कत होगी। इसलिए आप पहले वो 1 से लेकर 21 तक की क्लास सारी देखिए ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट वहां से समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो आपको आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अगर आप पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं और इस डायरेक्ट ऐसी क्लास में आए हैं 22 में, तो इस क्लास को मत देखिए, इस क्लास को बंद करिए और पहले फर्स्ट क्लास से स्टार्ट करके 21 तक की देखिए ताकि आपको 1 से लेकर कंटिन्यू समझ में आ जाए, ठीक है। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, सेशन को लाइक और कर दे, शेयर कर दे, ठीक है। तो हम अपना करने जा रहे हैं स्टार्ट। और अगर क्वेश्चन की बात करूं तो एक से जो पहली क्लास है वहां से 1 से लेकर सीरियल क्वेश्चन कंटिन्यू चल रहे हैं अपने सारी क्लासेस में। आप देख सकते हो बोर्ड पे भी 114 क्वेश्चन है, यानी कि 113 तक क्वेश्चन हम ऑलरेडी 21 तक के क्लास में कर चुके हैं, ठीक है। तो आज हम हमारा 114 क्वेश्चन करने जा रहे हैं 114A, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है बोर्ड पे, देख सकते हो आप कि 35 को दो भागों में बांटा गया, पहले भाग का 5 गुना और दूसरे भाग का 10 गुना 245 के बराबर है, तो पहला और दूसरा भाग ज्ञात करें, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि 35 डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स सच दैट 5 टाइम्स ऑफ द फर्स्ट पार्ट एंड 10 टाइम्स ऑफ सेकंड पार्ट इज इक्वल टू 245, ठीक है। फाइंड द फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट। तो क्या है क्वेश्चन कि 35 है, 35 को दो भाग में बांटा है, ठीक है। अब तो हमको वो नंबर फाइंड करने हैं, अगर पहले पार्ट का 5 गुना करते हैं और दूसरे भाग का 10 गुना करते हैं, दोनों को प्लस करते हैं तो ये 245 के बराबर होता है, ठीक है। तो आपको आपको निकालना है कि इसमें पहला भाग क्या है और दूसरा भाग क्या है, ऑप्शन में भी आप देख सकते हो। तो मैं आपको दो मेथड बताऊंगा, एक तो करने का मेथड बताऊंगा और हम एक ऑप्शन से कैसे उसको देख सकते हैं वो देखेंगे, ठीक है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखो क्या बोल रहा है कि 35 के दो भाग में बांटा गया है 35, यानी कि हम बोल सकते हैं कि ए है एक और बी है, ठीक है। तो ए और बी को अगर प्लस करते हैं तो 35 आता है, ठीक है, यानी कि 35 को दो भागों में बांटा गया है। अब क्या बोल रहा है कि पहले भाग का 5 गुना यानी कि 5A, ठीक है, 5A बोल सकते हैं इसको 5A, और दूसरे भाग का 10 गुना यानी कि इसको बोल सकते हैं 10B, ठीक है। 5A प्लस 10B इज इक्वल टू कितना है 245, ठीक है। तो देखो यहां पर क्या स्थिति बन रही है कि 35 को दो भागों में बांटा गया यानी कि A और B है समझ सकते हैं हम, और अगर A का 5 गुना और 10 का B का 10 गुना 245 होते हैं। तो देखो हम क्या करेंगे, पहले हम किसी एक नंबर को पकड़ते हैं, ठीक है, जैसे कि हम पकड़ते हैं पहले इसको A को, ठीक है, तो दोनों को हम अगर 5 गुना करते हैं, ठीक है। तो देखो ये 5A पूरे इक्वेशन को इसको 5 गुना अगर कर देते हैं पहले वाले को तो क्या होता है, तो 5A प्लस 5B और इज इक्वल टू इसको भी 35 को भी 5 गुना कर दो। अगर 35 को 5 गुना करोगे तो कितना होगा, ये 30 से 5 150 और 5 से 5 25 यानी कि 175, ठीक है, तो 175 होता है। अगर पहली इक्वेशन को सिर्फ इस इक्वेशन को हम अगर पूरा 5 गुना कर देते हैं तो ये कितना होता है कि 5A प्लस 5B इज इक्वल टू 175, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन अपनी क्या है कि 5A प्लस 10B इज इक्वल टू 245,
ठीक है। तो अब देखो, अब यहां पर सीन देखो कि अगर हम इसमें से प्लस माइनस करते हैं तो ये 5a से तो ये 5a कट जाएगा पूरा, ठीक है, ये तो पूरा जीरो हो गया, ठीक है। अब देखो 5b में से अगर 10b जाएगा तो यहां पर कितना बचेगा, माइनस 5b, ठीक है, माइनस 5b बचेगा। अब आपको 175 में से 245 माइनस करना है, तो यानी कि हमारा आंसर तो माइनस में आएगा, लेकिन वो आएगा क्या, ठीक है, तो वो आएगा क्या, 75 तो ये है और 45, 25 ये है और 45 वो है, यानी कि हमारा हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या आएगा, आंसर -70 आएगा, ठीक है, -70 आएगा। तो माइनस अगर 70 आएगा तो माइनस से माइनस कट जाएगा, और बी को हम बोल सकते हैं कि बी इज इक्वल टू 70 डिवाइड बाय 5, ठीक है, तो उसका आंसर क्या आएगा, यानी कि 14, बी का आंसर आएगा 14, ठीक है। तो हमको पता चल गया कि बी की जो वैल्यू है वो क्या है, 14 है, ठीक है। अब देखो अगर बी की वैल्यू है 14 तो ए की वैल्यू क्या होगी, ए की वैल्यू होगी कि टोटल अपना नंबर कितना है, 35, और 35 में से बी माइनस कर देंगे तो ए बचेगा, यानी कि 35 माइनस 14, ठीक है। तो अगर 35 में से 14 जाएगा तो हमारे पास आंसर आएगा ए इज इक्वल टू 21, ठीक है। तो देखो यहां पर 21 अगर ए प्लस बी करते हैं, ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी इज इक्वल टू कितना है, यानी कि क्या बोल रहा था क्वेश्चन में, 35 का ये, तो अपना ए क्या आया है, ए आया है 14 और बी आया है हमारा ए 21 आया है, ए 21 प्लस बी 14 इज इक्वल टू 35 हो गया, ठीक है। जैसे आप क्वेश्चन में देख रहे थे ए प्लस बी इज इक्वल टू 35, यानी कि 21 प्लस 14 इज इक्वल टू 35, और जैसे ये बोल रहा था कि 5a प्लस 10b, तो यहां पर हमारा आंसर 35 करना चाहिए। तो 5a अगर 21 की 5 गुना की बात करें हम तो कितना होता है, 20 से 25 100 और 105, यानी कि 105 प्लस 10b, b यानी कि 14, या 140, ठीक है, तो 140, तो टोटल कितना हो गया, ये हो गया 245, ठीक है। तो हो गया ए बी, यानी कि ए बी को प्लस किया तो 35, और ए का 5 गुना और बी का 10 गुना, यानी कि 105 और 140 को ऐड किया तो 245 हो गया। तो यहां तो हमारा पता चल गया कि हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही आ रहा है, हमारा ऑप्शन अगर ए और बी की बात करें हम, कि ए और बी, ए और बी की वैल्यू क्या आ गई आपकी, ए की 21 आ गई और बी की आ गई 14, ठीक है। तो जो ऑप्शन बी नंबर आप देख रहे हो 21 और 14, वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया एक मेथड कि हम इसको कैसे फाइंड कर सकते हैं। अब दूसरी चीज अगर हम देखते हैं कि इसको ऑप्शन से अगर हमको क्रैक करना है तो कैसे करेंगे, ठीक है, तो ऑप्शन से हम इसको क्रैक कर सकते हैं। देखो यहां क्या बोल रहा था वो कि ए प्लस बी इज इक्वल टू 35 है, ठीक है, और दूसरा क्या बोल रहा था कि 5a प्लस 10b इज इक्वल टू 245। तो इसको सेटिस्फाई करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको चेक करने के लिए हम पहले ऑप्शन ए उठाएंगे, ठीक है, ऑप्शन ए उठाएंगे। अगर अभी ये तो हमने सोल्व कर लिया, लेकिन अभी एक मिनट के लिए सोचो कि अभी तक हमने सोल्व नहीं किया है, तो हम इसको ऑप्शन से कैसे चेक करेंगे, ठीक है। तो 5 बोला है तो 5a यानी कि 20 इंटू 5 प्लस जो दूसरा है 15, तो 10, 15 इंटू 10, ठीक है, तो 15 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 20 से 25 100 हो जाएगा, और 15 धाम 150 हो जाएगा, यानी कि ये कितना हो जाएगा, ये तो 250 हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, ठीक है, ऑप्शन ए जो है हमारा आंसर नहीं हो सकता। दूसरे पे चेक करेंगे हम ऑप्शन, तो 21 इंटू 5 प्लस 14 इंटू 10, तो क्या हो जाएगा, ये 21 पंजे 105 प्लस 14 धाम 140, तो ये बिल्कुल हमारा आंसर हो जाएगा 245, ठीक है, तो ये हमारा आंसर सेटिस्फाई कर रहा है। तो ऐसे हम ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं, ठीक है, नहीं तो ये इक्वेशन तो ऐसे तो हम सॉल्व कर ही सकते हैं, ऑप्शन से भी हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है ऑप्शन हमारा जो ऑप्शन बी, हमारा जो ऑप्शन बी आ रहा है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है, ठीक है, ऑप्शन 21 और 14, ठीक है। तो आप कॉन्सेप्ट समझ में आया, सेशन को लाइक करते रहिए, और हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 114 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 115 पे हम मूव करेंगे भी, ठीक है।
आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 115। क्वेश्चन नंबर 115। आइए 115 क्वेश्चन, 115 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कि दो संख्याएं 17 और 45 के अनुपात में है, 17 अनुपात 45 के अनुपात में है, छोटी संख्या का एक तिहाई बड़ी संख्या के 1/5 भाग के से 15 कम है, छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, टू नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 17:45, 1/3 ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 15 लेस देन द 1/5 ऑफ लार्जर नंबर, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, यहां पर दो संख्याएं दी हुई है, जो दो संख्या है वो क्या है, 17 और 45 के अनुपात में है, तो छोटी संख्या का एक तिहाई जो कि है बड़ी संख्या के 1/5 भाग से 15 कम है। तो देखो सबसे पहले तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारी संख्याएं हैं ये क्या है, 17 हम इनको नंबर बोल सकते हैं अगर हमको रेशियो में नंबर दिया होता है। ठीक है, जैसे 17 और 45 रेशियो दिया हुआ है तो हम इसको बोल सकते हैं कि जो एक्चुअल नंबर है ये क्या है, ये 17x और 45x। ठीक है, 17x और 45x बोल सकते हैं इनको। तो देखो ये क्या बोल रहा है, दो संख्याएं हैं, अब देखो 17x छोटी संख्याएं का एक तिहाई, छोटी संख्या कौन सी है 17, तो 17x का 1/3। ठीक है, 17x का 1/3 किसके बराबर है, इज इक्वल टू 1/5 भाग ऑफ 15 कम है किससे, बड़ी संख्या से। ठीक है, बड़ी संख्या यानी कि बड़ी संख्या क्या है अपनी, 45 इंटू उसका एक बटे पांच भाग है, तो 1/5 और उसके बाद 15 कम है यानी कि -15। ठीक है, तो एक इक्वेशन ये हो गई हमारी कि एक छोटे नंबर का एक तिहाई भाग बड़ी संख्या के 1/5 भाग से 15 कम है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम कैसे करेंगे, आप देखो कि यहां से हम इसको बोल सकते हैं कि ये 5 से इसको हम काट देते हैं कितने बार, 9 बार। ठीक है, ये 9 बार कट जाएगा, उसके बाद देखो, अच्छा यहां एक्स नहीं लिखा, यहां एक्स नहीं लिखा, यहां एक्स आएगा 17x और यहां आएगा 45x। ठीक है, 45x, तो ये अगर 5 से ये कटेगा तो यहां पर हमको क्या मिलेगा, 9x। ठीक है, यहां 9x मिल जाएगा। अब देखो हमारे पास जो इक्वेशन बची है, हमारे पास इक्वेशन क्या बची है अभी, 17x into 1/3 इज इक्वल टू 9x into 9x-5, तो 1 ही है। इसको हम डायरेक्ट यहां भी इंटू भी कर सकते हैं, यहां पर इसको लिख सकते हैं हम कि 17x/3 इज इक्वल टू 9x-15। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास यहां पर नीचे सिर्फ 3 बचा हुआ एक तरफ, तो इसको हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको जो पूरा इक्वेशन है, इस पूरे इक्वेशन को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 3 कर देते हैं, क्योंकि ये 3 डिवाइड में लिखा हुआ है, इसको हटाने के लिए हम अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते तो ये हट जाएगा, लेकिन ये 3 क्या है, ये सारे पूरी इक्वेशन के ऊपर अप्लीकेबल होगा। तो देखो यहां पर ये 3 से ये 3 कट जाएगा, तो आपके पास बचेगा क्या, 17x और यहां पर क्या 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि इनके नीचे 3 है नहीं, तो ये 9 + 27x हो जाएगा और -15 हो जाएगा। ठीक है, अब 27x और इज इक्वल टू 17x इज इक्वल टू 27x-15। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, -45 हो जाएगा, 3 से होगा मल्टीप्लाई, तो ये 45 हो जाएगा, 27x-45। ठीक है, तो अब देखो यहां पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 27 में से, ये इधर प्लस में संख्या है, ये भी प्लस में संख्या है, अगर इस 7x को हम इधर ले आते हैं, 27x को इधर लाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, 10x = 45। ठीक है, तो 10x की वैल्यू 45 है, तो x की वैल्यू क्या होगी, 45/10। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हमारे पास 10 से कट जाएगा तो ये हो जाएगा 4.5। ठीक है, यानी कि जो x की वैल्यू है हमारी, x की वैल्यू हमारे पास आ गई 4.5।
तो अब हमारे पास दो संख्याएं हैं, ठीक है, तो हमको क्या करना है कि 17 में भी एक संख्या 17:45 में है, 17:45, तो हमको इन दोनों का मल्टीप्लाई किसमें करना होता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई हम कर देते हैं 4.5 में, क्योंकि ये हमारी x की वैल्यू है, यहां हमने x प्लस किया था इनकी जगह पे, और इसको भी हम कर देते हैं 4.5 के इसमें, ठीक है। तो हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है छोटी संख्या, ठीक है, यहां पर हम दोनों संख्या बता सकते हैं, लेकिन हमसे छोटी संख्या पूछा है तो हम छोटी संख्या बताएंगे, ठीक है। तो 17 चौक 34 और 17 2 34 और 17 चौक 34 और 68, 68 और 17 का आधा यानी कि 76.5, ठीक है। तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 76.5, ठीक है, और आप देख सकते हो इसको बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो दो संख्याएं हैं, दो संख्याएं थी हमारे पास 17 और 45 के रेशियो में, जो कि छोटी संख्या का एक तिहाई भाग बड़ी संख्या के 1/5 के भाग का में से 15 कम है। तो 17x, ठीक है, उसको मानेंगे हम x, 17:45 की जगह पे रेशियो को हटाने के लिए हम दोनों संख्या में x लगा सकते हैं, ठीक है, यानी कि हम इसको मान सकते हैं कि ये नंबर है हमारा, ठीक है, 17 में कोई भी एक नंबर है, जो ये 17 से गुणा होगा, ये 45 से गुणा होगा। तो 17x 1/3 की वैल्यू 9x इंटू 1/5, 45x इंटू 1/5 माइनस 15, तो ये जो 45 है ये 5 से कट गया 5 बार, तो ये यहाँ 9x बच गया, ठीक है, यहाँ बचा 9x माइनस 5, यहाँ 17x 3 बचा, तो इस 3 को हटाने के लिए हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो उसके बाद हमारी इक्वेशन क्या आ गई, 17x तो वो पूरा रह गया क्योंकि 3 कटा, लेकिन इसमें क्या हो गया, 3 का गुणा हो गया, तो ये 27x हो गया और माइनस 45 हो गया, ठीक है। तो हम यहाँ आ गया, यहाँ पर आ गए, 27 में से 17 चला गया, तो हमारे पास 10x बचा, और 10x यानी 10x की वैल्यू 45, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 45/10 यानी कि 4.5, ठीक है। अब हमारे पास फाइनल में क्या होता है, x की वैल्यू मिलने के बाद 17 और 45 में गुना करना है, अगर बड़ी संख्या पूछता है तो हम 45 में मल्टीप्लाई कर देते, छोटी संख्या पूछी है इसलिए हमने छोटी संख्या में मल्टीप्लाई किया 70 में 4.5 से, और हमारा आंसर जो है 76.5 फाइनल आ चुका है, और आप देख सकते हो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है अपना, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, अगला चलते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 115 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 116 पे चलेंगे हम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 116, चलो देखो 116 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 28,000 रुपए 16 आदमियों 20 महिलाओं और 20 बच्चों में इस तरह बांटना है कि प्रत्येक आदमी को प्रत्येक महिला से 25% ज्यादा और प्रत्येक महिला को प्रत्येक बच्चे से 25% ज्यादा मिले, तो एक आदमी को कितने रुपए मिलेंगे, ठीक है। रुपीज 28,000 have to be distributed among 16 men, 20 men and 20 children in such a way that every man gets 25% more than every woman and every woman gets 25% more than every child. Then how much will get a man? ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन जब आते हैं तो हमको देखो सबसे पहले तो हम बोलते हैं इसको 28 को तो हम एक तरफ रखते हैं, ठीक है, ये 28,000 को हम बाद में देखते हैं, पहले देखते हैं हम कि मेन और वुमेन और बच्चे चिल्ड्रेन, ठीक है, वेन वुमेन चिल्ड्रेन। अब देखो मेन कितने हैं, 16 आदमी है, महिलाएं कितनी है, 20 है, बच्चे कितने हैं, 20 है, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या बोल रहे हैं कि बच्चों से 25% महिलाओं को ज्यादा और महिलाओं से 25% आदमियों को ज्यादा मिलना चाहिए, तो उसके बाद हमसे पूछा है कि एक आदमी को कितना मिलेगा, तो सबसे पहले तो हमको यहां पर यह निकालना पड़ेगा, एक ऐसी संख्या अज्यूम करनी पड़ेगी कि जो कि 25-25 में बढ़ोतरी करे, तो इसलिए हमको पीछे से संख्या लेनी पड़ेगी, अगर इधर से लाएंगे हम इधर लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए हमको इधर से लेना है, फिर उसका 25% प्लस करके इधर, फिर 25% इधर। तो अगर हम मान लो यहां पर हम 100 अज्यूम करते हैं, 100 अज्यूम करते हैं या 10 अज्यूम करते हैं, 50 करते हैं,
तो आगे जाके हमारा पॉइंट में आंसर आएगा। तो यहाँ पर हमको एक ऐसी अप्रोच लगानी है कि हमारा जो पॉइंट में नहीं आए और आसानी से आए, ताकि हम एग्जाम में उलझे नहीं और हम सवाल को जल्दी कर पाए। तो देखो यहाँ पर 25% का दो बार बात हुआ है, एक बार 25% और एक बार 25%, यानी कि इससे 25% इसको ज्यादा है और इससे 25% इसको ज्यादा है, यानी कि 25% को हम बोल सकते हैं कि 1/4, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको आंसर मिलेगा 1/16, ठीक है। तो ये जो संख्या है, ये जो संख्या है, इसको हम अज्यूम करके यहां लिख सकते हैं कि सी को जो है 16 नंबर, ठीक है। तो इसको 16, ताकि रेशियो जो हमारा है वो रेशियो आ जाएगा और हम आसानी से उसको कर पाएंगे। अगर इसको 16 है तो यहां पर कितना आएगा, 16/100 × 25, तो कितना होगा ये 25, ये 4 बार जाएगा और ये 1 बार जाएगा, तो 4×16, ठीक है। यानी कि कितना आएगा, यानी 16 में 4+ हो जाएगा, तो यह कितना हो जाएगा 20, ठीक है। अगला चलो, अगला देखो, अब यहां प्लस वापिस 5% प्लस करना है, तभी तो 25% करना है, तभी तो यहां पर 125 होगा। तो ये 20 का 125 क्या होगा, यानी कि 20/100 × 25, तो ये फिर 4 बार जाएगा और ये 4 से ये 5 बार जाएगा, ठीक है। यानी कि यहां पर 20 में 5+ करना पड़ेगा, तो ये आ गए 25, ठीक है। तो ये हमारा संख्या ऐसी सेट हो गई कि 16 का 25% प्लस करेंगे तो 20 होगा और 20 में 25% प्लस करेंगे तो 25 हो जाएगा। अब हमको करना कुछ नहीं है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, ताकि ये हमारा क्या आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा, ठीक है। यहां पर रेशियो आ जाएगा, ये नंबर से कितने कितने कौन है, ठीक है, उसके बाद ये आपका परसेंटेज है, ठीक है, ये आपका परसेंटेज है, यानी कि इसको बोल सकते हैं कि शेयर परसेंटेज, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो 16 × 32, यानी कि ये 320 आएगा, ठीक है, ये आएगा आपका 400 और ये कितना आएगा 25 × 16, यानी कि ये भी 400 आएगा। तो ये इसका रेशियो बन गया, देखो 10 से 10, 10 से 10, ठीक है। अब 8 से इसको अभी काट सकते हो आप, तो ये 8×5 = 40 हो जाएगा, ये 5 आ गया, ये भी 5 आ गया और ये कितना आ गया 8×6 = 32, यानी कि आपका जो रेशियो आया वो क्या आया 5, 5, 4, यानी कि 5 मेन 5, मतलब टोटल जो हिस्सा बनेगा वो क्या बनेगा 14 हिस्से के डिवाइड करना पड़ेगा, उसमें से 5, 5वां हिस्सा, 5 हिस्से उसको देना है मेन को, 5 हिस्से वुमेन को और 4 हिस्से बच्चों को देना है, ठीक है। तो यहां पर हम इसको क्या करेंगे 14 से डिवाइड कर देंगे, 5, 5, 10 और 4, 14, तो ये 28,000 जो है इसको हम 14 से डिवाइड करेंगे, तो 14 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा 14 × 28, यानी कि 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 की वैल्यू आ गई 2,000 रुपये, ठीक है, 1 की वैल्यू 2,000 रुपये आ गई। तो आपके पास मेन वुमेन और चिल्ड्रेन कितने कितने हैं, ठीक है, तो मेन 5 है तो 5 × 20,000, ठीक है, ये इनका हिस्सा आ गया, वुमेन भी 5 है तो 5 × 20,000 और चिल्ड्रेन कितने 4 है तो 4 × 20,000। तो ये तो आ गए इनके पैसे कि किसको कितने पैसे मिलेंगे, यानी कि इसको मिलेंगे 10,000 रुपये, इनको 10 मिलेंगे और इनको 8,000 रुपये मिलेंगे, ठीक है। तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया 28,000 का, कि 10,000 मेन के पास आदमियों के पास जाएगा, 10,000 महिलाओं के पास जाएगा और 8,000 बच्चों के पास जाएगा। अब हमसे क्वेश्चन पूछा क्या है कि इन हाउ मच विल ए मैन गेट, ठीक है, एक आदमी को कितने मिलेंगे, तो हमको आदमी इससे मतलब है। तो देखो यहां पर टोटल आदमियों के पास कितने रुपए गए 10,000 रुपये और आदमी टोटल कितने हैं, आदमी है टोटल 16, ठीक है, 16 आदमी है, यहां देख सकते हो यहां पर, ठीक है, ये 16 मेन। तो हम क्या करेंगे, ये जो 10,000 रुपये हैं ये 16 मेन को डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो 16 से डिवाइड करेंगे तो देखो कितना आंसर आएगा, 16 10 में 1 नहीं जाएगा, 100 तक जाएगा, 100 96, ठीक है, तो 96 तक जाएगा ये, तो ये जाएगा 6 बार जाएगा, 4 बचेगा उधर ले लिया तो 40 हो जाएगा, तो 16 तिया तो 48 हो जाएगा, 16 × 32, यानी कि ये 2 बार और जाएगा 32 तक चला जाएगा, 8 बचेगा, 8 को शिफ्ट किया उधर 0 के साथ तो 80 हो गया, यानी कि 16×5 = 80, तो यानी कि जो एक आदमी को पैसे मिलेंगे वो क्या मिलेंगे 625, और आप ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है
625 रुपए एक आदमी को मिलेंगे। ठीक है, तो 28,000 रुपए को हमको ऐसे बांटना था कि 16 आदमी 20 महिलाओं और 20 बच्चों में इस तरह बांटा जाए कि 25% प्रत्येक महिला को 25%, प्रत्येक आदमी को महिला से 25% ज्यादा मिले, प्रत्येक महिला को बच्चों से 25% ज्यादा मिले। ठीक है, तो हमने कैसे किया, मेन वुमेन चिल्ड्रेन, तो 16 मेन है, 20 वुमेन है और 20 बच्चे हैं, तो उनका शेयर कितना कितना आया। शेयर मैंने जैसे आपको बताया कि कैसे इसका रेशो निकालेंगे, 1/4 को मल्टीप्लाई करके यहां से 16 का 25% बढ़ाया तो 20, 20 का 25% बढ़ाया तो 25। ठीक है, उसके बाद इनको काट दिया तो रेशो में छोटा नंबर आ गया ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। 14 नंबर आया तो हमने डिवाइड किया 28,000 से। ठीक है, तो यहाँ हमको अमाउंट मिल गया मेन वुमेन और चिल्ड्रन को कितना कितना है। उसके बाद हमसे पूछा है कि एक आदमी को कितना मिलेगा, तो हमने 16 से डिवाइड कर दिया। अगर यही पूछते कि हम एक महिला से महिला को कितना मिलेगा, ठीक है, तो हम यहाँ क्या करते, एक महिला को करते 20 से डिवाइड। ठीक है, तो उसको 500 मिलता, फिर 10,000 रुपये अगर 20 को मिलेंगे तो 500 रुपये मिलेंगे। ठीक है, और अगर इसकी बात करते हैं अपन बच्चों को, तो बच्चों को और कम हो जाते। ठीक है, तो यह था अपना इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट, उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, एक क्वेश्चन नंबर 116 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 117 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 117, आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 117 क्या बोल रहा है कि 12,720 रुपए 16 पुरुष 24 महिलाएं और 30 बच्चों में इस तरह बांटना है कि 4 पुरुष का हिस्सा 4 बच्चों के बराबर हो, 10 बच्चों के बराबर हो और 2 महिलाओं का हिस्सा 3 बच्चों के बराबर हो, प्रत्येक महिला का हिस्सा बताइए। ठीक है, रुपीज 12,720 आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 16 मैन 24 वुमेन एंड 30 चिल्ड्रेन सच दैट 4 मैन शेयर इज इक्वल टू 10 चिल्ड्रेन एंड 2 मैन शेयर इज इक्वल टू 3 चिल्ड्रेन। ठीक है, यहाँ चिल्ड्रेन 3 चिल्ड्रेन। ठीक है, व्हाट इज द शेयर ऑफ ईच वुमेन, तो देखो कैसे निकालेंगे इसको। इसको सबसे पहले हम लिखते हैं, हम पैसे कितने हैं 12,720 को देखते हैं अपन बाद में। ठीक है, ये तो टोटल पैसे हैं, यहां लिखते हैं अपन मेन विमेन और चिल्ड्रेन। ठीक है, मेन कितने हैं 16, ये क्या है नंबर्स 16, महिलाएं कितनी है 24 और बच्चे कितने हैं तो 30। ठीक है, अब इनका आएगा शेयर का हिस्सा, लेकिन शेयर का हिस्सा जो है यहां पर कुछ और दिया हुआ है कि 4 पुरुष के बराबर 10 बच्चे हैं, तो इसको कैसे निकालेंगे हम, देखो 4 मेन इज इक्वल टू 10 चाइल्ड। ठीक है, और 2 विमेन इज इक्वल टू 3 चिल्ड्रेन। ठीक है, अब देखो यहां पर कॉमन क्या है, यहां पर कॉमन है चिल्ड्रेन। ठीक है, यहां पर कॉमन है चिल्ड्रेन, तो अभी आप देखो यहां पर क्या होगा, 2 विमेन इज इक्वल टू 3 चिल्ड्रेन। ठीक है, तो इसको कैसे हम रेशियो में कर सकते हैं कि ये मेन के नीचे ये चाइल्ड यहां आ जाएगा और ये 10 यहीं रहेगा और ये 4 मैन नीचे आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 10/10/4, तो 10/4 को हम लिख सकते हैं काट के 5/2। ठीक है, तो यानी कि मेन की जो मेन का रेशियो है वो 5 है और चिल्ड्रन का रेशियो चाइल्ड का रेशियो 2 है। ठीक है, तो ऐसे यहां पर भी कर सकते हैं कि W ऊपर ही रहेगा, चाइल्ड नीचे आएगा, 3 सामने रहेगा
और ये W2 नीचे आएगा, ठीक है। तो चिल्ड्रेन का आप देखो, चिल्ड्रेन का यहां भी दो है और यहां भी दो है, तो हमको इसको मर्जिंग करने की जरूरत है, नहीं तो जैसे हमने सीखा था ना कि ए रेशियो बी, ठीक है, उसके बाद अगर हम सी करते हैं तो उसको बी रेशियो सी करके इसको मर्ज करते हैं, जो मर्ज वाला फॉर्मूला यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ी हमको, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर चाइल्ड में पहले से ही दोनों के लिए दो है, ठीक है। तो हम यहां से सीधा लिख सकते हैं कि मेन का रेशियो क्या है 5 और वुमेन का रेशियो क्या है 3 और चाइल्ड का रेशियो क्या है 2, ठीक है। अब आप इनको मल्टीप्लाई कर दो सीधे बस, ठीक है। तो 30 × 60, 24 × 3 = 72 और 16 × 5 = 80। और आप देख सकते हो ये किससे कट सकता है, इसको किससे काट सकते हैं हम, इसको 4 से काट सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि अगर इसको 4 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा आपका 18 और ये हो जाएगा 16, ये आपका 15 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या मिल गया, 20, 18 और 15 इनका रेशियो आ गया। तो अब देखो यहां तक तो ये हमारा हो गया, अब हमारे पास क्या बचा, 20 और 18, 38 और 15 यानी कि 53, ठीक है। तो 53 आ गया तो हम इसको 53 से डिवाइड कर दो, ठीक है, इसको 53 से डिवाइड करो, 53 से डिवाइड करो कितना मिलेगा इसको ये, ठीक है। तो 53 23 में कितने बार जाएगा, 50 100 और 106 तक जाएगा ये दो बार, ठीक है, दो बार जाएगा 106 तक, फिर आपको बचा, फिर ये जाएगा 4 तक और ये 0, यानी कि 240 बार ये जाएगा, ठीक है, 240 बार में जाएगा ये 53 से 12720। तो ये जो रेशियो आ गया हमारा, ठीक है, 12720 को डिवाइड करेंगे 53 से तो हमको मिल गया 240, यानी कि हमको मिल गई एक की वैल्यू 240, ठीक है, एक की वैल्यू 240 मिल गई। तो अब हमको इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हमको पूछा किसके लिए है, हमको पूछा है महिलाओं के लिए, ठीक है। तो 24 महिला है लेकिन उनका रेशियो कितना मिला है हमको, 18, तो यहां उसको 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 18 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी हमारे पास आंसर आता है उसको हम 24 से डिवाइड करेंगे तो एक महिला का शेयर यहां से आ जाएगा। ये जो 240 की एक वैल्यू है और 18 यानी कि टोटल जितनी महिलाएं हैं उनका रेशियो है, उनका पैसा बनेगा ये, ठीक है। तो 240 24 × 18, ठीक है, तो 8 × 32 = 2, 18 × 4 तो ये आ जाएगा आपका, आपका इसमें 18 × 4 आ जाएगा आपको 4320 आ जाएगा, ठीक है, यानी कि 4320 आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि 4320 को हमको डिवाइड किससे करना पड़ेगा, सिंगल महिला ले यानी 24, ठीक है। तो 24 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमको कितना आएगा ये, ठीक है, ये हमको आ जाएगा 1 24 24 से एक बार जाएगा, उसके बाद 24 फिर 8 और 0, ठीक है। तो यहां 4320 को यानी कि ये जो महिलाओं का शेयर है इसको हम 24 से डिवाइड करेंगे क्योंकि टोटल महिलाएं 24 है, तो 24 से हमको आ जाएगा 180 रुपीज ईच वुमेन, ठीक है। तो देखो 12720 रुपए को 16 पुरुष और 24 महिलाओं और 20-30 बच्चों में इस तरह बांटना था कि 4 पुरुषों का हिस्सा 10 बच्चों के बराबर और 2 महिलाओं का हिस्सा 3 बच्चों के बराबर, तो प्रत्येक महिला का हिस्सा बताना था। तो मेन का हमने लिखा 16, 24 और 30, उसके बाद हमने रेशियो निकाला। तो रेशियो कैसे निकाला, हमने रेशियो यहां से निकाला कि 4 men = 10 c, तो ये यहां से पलट के रेशियो में कन्वर्ट हो जाएंगे और यहां पर इनका वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमको इनका एक शेयर मिल जाएगा, तो 20, 18, 15, तो टोटल से डिवाइड करेंगे 12720 को उससे डिवाइड करेंगे हम टोटल शेयर से, तो एक शेयर की वैल्यू मिलेगी, एक शेयर की वैल्यू मिलेगी तो टोटल महिलाएं कितनी है वो यहां से मल्टीप्लाई करेंगे। जब टोटल महिलाओं का शेयर हमको आ जाएगा तो टोटल महिलाएं है कितनी उनसे डिवाइड करेंगे तो एक महिला का शेयर हमको यहां से मिल जाएगा, ठीक है, 180, यानी कि आपको ऑप्शन बिल्कुल सी नंबर सही है, ठीक है। तो आज की क्लास आपको समझ में आई होगी, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कैसे करते हैं इसको, ठीक है। तो अगली क्लास में हम वापस मिलेंगे, तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए। आज हमारी जो क्लास थी ये 22 नंबर क्लास थी रेशियो एंड प्रोपोर्शन की, कल हम 23 नंबर क्लास करेंगे, ठीक है। तो आप पढ़ते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए ताकि अगले एग्जाम में आप अच्छा कर पाओ।
और दूसरी बात यह है कि जो एक 40 सीरीज चालू की है मैंने, जो दोपहर को 12 बजे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का डोज मिलता है, 5 मिनट का सेशन होता है, 5 से 6 मिनट का, उसमें एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलता है इंस्टेंट सॉल्यूशन के साथ, तो वो उसको बिल्कुल मिस नहीं करना है, उसको आपको देखना ही देखना है, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की का डोज है, तो वो देखना ही देखना है डेली का, ठीक है। उससे आपका क्या होगा, आपका जो कॉन्सेप्ट क्लियर माइंड में अच्छा पावरफुल हो जाएगा माइंड उस तो मैथ्स के ऊपर, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी भी, तो और हर टॉपिक के क्वेश्चन उसमें आपको अवेलेबल है, मिलते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय।